हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं बॉलीवुड की 5 फिल्में जो मुझे बहुत पसंद है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो पहला है बॉबी। बॉबी मैंने बहुत पहले देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत ही सुंदर उसमें मतलब एक्टिंग था, सॉन्ग्स बड़े अच्छे थे, रोमांटिक थे, तो मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही थी। और ख़ास तौर पे जो इसकी एंडिंग थी वो मुझे बहुत ही पसंद आई। बिल्कुल पॉजिटिविटी में अगर हम इन चीज़ों को लें तो पिक्चर में आनंद जो है ना दुगुना हो जाता है। दूसरी मेरी फिल्म है सिलसिला, जो मुझे बहुत ही पसंद है। रेखा की एक्टिंग मुझे इतनी पसंद है कि आज भी वो पिक्चर मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है। कुल मिला के पिक्चर मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो पिक्चर मैं देखती हूँ मुझे आनंद ही आता है, बहुत एंजॉय करती हूँ मैं इस पिक्चर को। तीसरी मूवी है अर्थ। इसमें स्मिता पाटिल की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही इमोशनल मूवी है, सेंटिमेंटल है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, ट्रायंगल है पिक्चर। इन सब को देख के ना पिक्चर में देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। चौथी मूवी है शोले। शोले एक ऐसी मूवी है जो मुझे बहुत ही पसंद है। उसको ऐसा लगता है जब भी अगर वो पिक्चर आती है ना तो ऐसा लगता है कि देखो, उसमें सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है, एक्शन बहुत अच्छे हैं, फिल्म के जो हीरो हीरोइन हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। कुल मिला के पिक्चर बहुत ही सुंदर है। और उसमें जो गब्बर सिंह है ना, जिसका डायलॉग है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये डायलॉग तो बहुत ही मशहूर है। तो ये ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, और पिक्चर देखो तो पता ही नहीं चलता कि 3-4 घंटे कैसे निकल गए। इसलिए ये मूवी जो है ना मुझे बेहद पसंद है। 5वीं मूवी है आपकी कसम। आपकी कसम में तो राजेश खन्ना है, मुमताज है, और इन दोनों की रोमांटिक जोड़ी बहुत ही अच्छी है। बहुत मज़ा आया इस फिल्म को देख के। और इसमें जो गाना है ना, जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर, ये सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद है। और ये फिल्म टोटली मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये जो 5 फिल्में मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ ना, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।